हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं मिस्टर खान और आप देख रहे हैं डिजिटल बिहार यूट्यूब चैनल। हमारे ईमेल आईडी पे बहुत सारे ऐसे ईमेल आते हैं जिससे हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं, कोई भी वास्ता नहीं, कोई भी कांटेक्ट नहीं, फिर भी वो मेल हमारे मेल आईडी पे आते रहते हैं और इससे हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे मेल में यहाँ पे बहुत सारे अनवांटेड मेल हैं, जहाँ पे ना तो मैं अपनी मोबाइल फोन को रजिस्टर किया हूँ, ना ही अपनी ईमेल आईडी को रजिस्टर किया हूँ और ना ही मैं इन लोगों को अपनी मेल आईडी दिया हूँ, फिर भी ये हमें बार बार मेल करते रहते हैं और इससे हमारी मेल आईडी पूरी भर जाती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप बेकार अनवांटेड मेल्स को स्टॉप कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि वो आगे कभी भी आपके मेल आईडी पे नहीं आए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेल आईडी को किसी साइट पे जाके रजिस्टर किए हैं, अगर उस साइट से मेल आता है ये बात तो हमें समझ आती है, लेकिन अगर हम जहाँ पे कभी गए ही नहीं, जिसके बारे में हमने नाम भी नहीं सुना, अगर उसके मेल्स आ रहे हैं हमारे मेल आईडी पे, तो ये काफ़ी अजीब सा लगता है, काफ़ी बेकार सा लगता है। और ऐसे बहुत सारे मेल्स आने लगते हैं जिससे कि हमारी मेल आईडी पूरी फुल हो जाती है और हमें बहुत बेकार लगता है। अगर हमारा कोई पर्सनल मेल भी आता है तो उसे हमें ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सिंपल, आपको अपनी मेल आईडी में लॉगिन हो जाना है और लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी मेल, सोशल मीडिया मेल, प्रमोशन मेल। ज़्यादातर जो मेल्स आती हैं वो प्रमोशन के आते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी प्रमोशन करने के लिए आपको मेल भेजती रहती है। तो मैं प्रमोशन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आपको कौन सा मेल ज़्यादा आ रहा है जिसे आप बंद करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इधर नीचे करता हूँ, नीचे करने के बाद मुझे एक स्किल नाम से आता है जो कि काफ़ी आता है, रोजाना कम से कम 5-7-10 तो आई जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल रिपोर्ट। सिंपल, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे ये मेल हमारा ओपन हो गया। ये मेल कम से कम 4-5 तो आई जाता है पर डे हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ इस मेल को स्टॉप कर देना है ताकि दोबारा हमारे मेल आईडी पे नहीं आए। तो इसके तरीके कैसे हैं, तो आपको जिस मेल को स्टॉप करना है उस मेल पे क्लिक करना है। क्लिक करके ऐसे ही ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सिंपल स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको अनसब्सक्राइब। यहाँ पे देख सकते हैं आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन होगा अनसब्सक्राइब का एक टैब और आप इस मेल से अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे टैब ओपन हो गया, यहाँ पे लिखा जा रहा है अनसब्सक्राइब मी फ्रॉम ऑल मेलिंग्स। तो यहाँ पे बहुत सारे रीजन दिए हुए हैं, आप कोई भी एक रीजन को सिलेक्ट कर लें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ आई नेवर आस्क टू रिसीव दिस ईमेल। इस पे क्लिक कर देना है। इसमें कुछ भी आपको डाल देना है जैसे कि डोंट सेंड और उसके बाद अनसब्सक्राइब पे क्लिक कर देना। ये आपका परमानेंटली अनसब्सक्राइब हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं थैंक यू योर रिक्वेस्ट हैज बीन प्रोसेस्ड, आपका रिक्वेस्ट सेंड कर दिया गया। अब आपका ईमेल जो है ये नहीं आएगा आपके मेल आईडी पे, लेकिन फिर भी अगर आपका ईमेल ये आ रहा है तो आपको क्या करना है, फिर आपको मेल आईडी पे आना है, 3 डॉट आपको मिलता है मोर, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, ब्लॉक स्किल रिपोर्ट जो कि स्किल नाम से ये आ रहा है आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे, यहाँ पे रिपोर्ट स्पैम और रिपोर्टिंग फिशिंग। तो दोस्तों ये 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आपको सिंपल ऊपर क्लिक करना है ब्लॉक स्किल रिपोर्ट, इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसे ब्लॉक कर देना है। देखेंगे ये ब्लॉक हो गया है, यानी कि हमने दोनों ही काम कर दिया, लेकिन आपको एक ही काम करना है, सबसे पहले अनसब्सक्राइब करना है और उसके 1-2 दिन 4 दिन के बाद अगर फिर मेल आता है तो आप ब्लॉक कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी आता है तो दोस्तों आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके रिपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट स्पैम कर सकते हैं, तो गूगल इस पर एक्शन लेगा कि आप किसी और को परेशान नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब हम इस मेल को ब्लॉक कर चुके हैं यानी अनसब्सक्राइब कर दिए हैं, लेकिन इसके और भी मैसेजेस जो है पहले से जो आ चुके हैं हमारे मेल आईडी में उसे कैसे हम ढूंढेंगे। तो सिंपल उसके लिए क्या करना है, आपको यहां पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहां पे रिप्लाई टू पे जो भी ईमेल एड्रेस है जिससे हमारे को मेल आ रहा था उसे आपको कंट्रोल सी कर लेना है और उसके बाद आपको सर्च में जाना है, सर्च ईमेल पे कंट्रोल वी करना है और एंटर दबाना है। तो इससे रिलेटेड जितने ईमेल्स होंगे आपके पास आए हुए ये सारे आपके सामने यहां पे ओपन हो चुके हैं, देखेंगे।
अब आपको सिंपल सिलेक्ट ऑल पे यहाँ पे चेक मारना है, सब सिलेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद डिलीट पे क्लिक कर देना है, ये सारे डिलीट हो जाएंगे आपके मेल आईडी से, खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं डिलीट पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटली डिलीट हो गए। तो दोस्तों इस टेक्निक को अप्लाई करके आप बेकार और अनवांटेड मैसेज से, अनवांटेड मेल से बच सकते हैं, आपकी मेल आईडी साफ सुथरा दिखेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको पता चल गया होगा कि अनवांटेड मेल से और बेकार के मेल से हम कैसे अपनी मेल आईडी को साफ रख सकते हैं और कैसे उस मेल को ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके जाना, बिना लाइक किए मत जाना, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल डिजिटल वीआर यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।